गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन, आप सभी को प्रणाम। गायत्री भोजन जैसे उपयोगी, पूज्य गुरुदेव ने एक लेख में ये लिखा है, आइए हम श्रवण करते हैं। गायत्री भोजन जैसी उपयोगी इसलिए है कि उसमें आत्मिक बल का केंद्र है। बुद्धि की शुद्धि उदर शुद्धि से भी अधिक आवश्यक है। पेट में मल भरे हों, विषैले पदार्थ जमा हों, तो शरीर का स्वास्थ्य दिनों दिन क्षीण होता जाएगा, भले ही कीमती भोजनों को खाया जाता हो। इसी प्रकार यदि बुद्धि अशुद्ध है, विकृत है, नीच तत्वों में लिप्त है, तो उस बुद्धि से आत्मकल्याण नहीं हो सकता, सुख शांति का दर्शन नहीं हो सकता। चाहे कोई कितना ही बड़ा, कितना ही मूल्यवान कर्मकांड क्यों ना करे, उदर की शुद्धि होने पर किया हुआ भोजन शुद्ध रक्त बनाता है और बल वीर्य की वृद्धि करता है। इसी प्रकार शुद्ध बुद्धि से किए गए कार्य एवं विचार ही आत्मबल को बढ़ाने एवं आत्मकल्याण के ले जाने वाले होते हैं। यदि किसी झरने के उद्गम में विष की खान हो, तो उसका जल देखने में चाहे कितना ही शीतल, कितना ही स्वच्छ, स्वादिष्ट क्यों न हो, पर उसको पीने से अनिष्टकारक परिणाम ही उत्पन्न होगा। अशुद्ध बुद्धि का भी यही हाल है। उससे चाहे कैसे ही चमत्कारी कार्य क्यों ना कर दिखाए जाएं, चाहे कितना ही धन यश वैभव इकट्ठा कर लिया जाए, पर परिणाम बुरा ही होगा। इसीलिए मूल केंद्र को शुद्ध करना अन्य सब कार्यों की अपेक्षा अधिक उपयोगी देखकर उसकी अनिवार्यता का प्रतिपादन किया गया है। और गायत्री साधना को भोजन करने जैसा दैनिक कृत्य नियुक्त किया गया है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।